मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, आज हम अपनी नई उमंग की हिंदी बुक में नया क्या पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं आज हमारे लिए नया क्या है। लेसन नंबर 6, आज हम पढ़ेंगे गुरु और शिष्य, द मास्टर एंड हिज डिसिप्लिन्स। इस कहानी में स्टूडेंट और टीचर के बीच डिसिप्लिन की बात बताई गई है, और चलिए हम देखते हैं क्या है इसमें। एकांत वन में एक गुरु का आश्रम था। एकांत मतलब शांत वातावरण, वहाँ एक आश्रम था। पहले, अभी हम लोग हॉस्टल बोलते हैं और पहले इसे हम लोग आश्रम बोलते थे, जहाँ सभी बच्चे आकर पढ़ते लिखते थे, वहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। दूर दूर के विद्यार्थी वहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए आते थे, मतलब बहुत दूर दूर से वहाँ पढ़ने के लिए सभी स्टूडेंट्स आया करते थे। एक बार गुरुजी के पेट में जोर का दर्द उठा, मतलब टीचर के पेट में, स्टमक में बहुत जोर से पेन होने लगा। गुरुजी दर्द से तड़पने लगे, मतलब उनको इतना ज़्यादा दर्द हो गया कि वो पूरा बेचैन हो गए। अब वो क्या करते? शिष्यों ने उन्हें अनेक प्रकार की दवाइयाँ दी, किंतु उनका दर्द कम नहीं हुआ। मतलब उनके जितने भी स्टूडेंट थे, उन्होंने बहुत सारा तरह का मेडिसिन उनको खिलाया, बहुत तरह का उपचार किया, लेकिन उनको दर्द आराम नहीं हुआ। गुरुजी की पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी, मतलब उनका जो पेन था, स्टमक पेन, वो बढ़ता ही जा रहा था और धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। उनके शिष्य सिब्बू ने जब यह समाचार सुना तो वह तुरंत दौड़ता हुआ आया। गुरुजी की असहनीय पीड़ा देखकर उसे चिंता होने लगी। उन्हीं टीचर का एक शिष्य था जिसका नाम सिब्बू था। उसे यह बात पता चली कि उनके टीचर के पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, और वह उनको मिलने के लिए आया, और उनकी इस, मतलब जो दर्द वो सह नहीं पा रहे थे, उस दर्द को देखकर वो स्टूडेंट को बहुत बुरा लगा कि अरे मेरे टीचर के पेट में इतना दर्द दे रहा है। सिब्बू ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, अनेक दवाओं से भी आपका दर्द दूर नहीं हुआ है, कृपया आप उस दवा का नाम बताइए जिससे यह दर्द दूर होगा, मैं उस दवा को लाऊंगा। तब सिब्बू ने अपने टीचर से पूछा कि गुरुजी, टीचर, आप बताइए कि आपको कौन सा दवाई सूट करता है और मैं वो दवाई लेकर आऊँगा, क्योंकि आपने इतनी सारी दवाइयाँ खाई, आपको तो कोई दवाई भी सूट नहीं किया, तो आप बताइए कि आपको कौन सी दवाई चाहिए। गुरुजी बोले, बेटा, मेरा यह दर्द बहुत पुराना है, यह इन दवाइयों से ठीक नहीं होता। यह दवा से ठीक होगा, यह जिस दवाई से ठीक होगा मुझे उसका नाम बताइए गुरुवर, मैं उस दवा को खोज लाऊंगा, सिब्बू ने कहा। टीचर ने बोला कि ये मेरा बहुत पुराना दर्द है, ये दवाइयों से ठीक नहीं होगा, लेकिन सिब्बू ने कहा, नहीं, आप मुझे नाम बताइए, मैं वो जहाँ भी होगा मैं उसे लेकर आऊँगा। गुरुजी बोले, उस दवा को लाना बहुत इतना आसान नहीं है बेटा, गुरुजी ने बोला बेटा वो दवाई लाना बहुत मुश्किल है, वो दवाई जहाँ है वो लाना वहाँ से आसान बात नहीं है, और मैं तुम्हें जानबूझकर मौत की मुँह में नहीं भेजना सकता, मतलब कि मैं तुम्हें खतरा नहीं दे सकता कि तुम वहाँ जाओ और वो दवाई मेरे लिए लेकर आओ, मेरा दर्द कुछ समय बाद दूर हो जाएगा,
मतलब टीचर ने बोला कि मत जाओ, तुम्हें वहाँ जान का खतरा है, कहीं तुम्हें वहाँ कुछ हो सकता है, मैं वो नहीं कर सकता कि तुम्हारी जान को मैं खतरे में डाल सकता हूँ, थोड़ा मैं वेट करता हूँ, उसके बाद मेरा अगर पेट दर्द ठीक हो जाएगा तो अच्छा बात है। गुरु जी की दर्द से छटपटा शिष्यों को देखकर नहीं रहा जा रहा था, उनकी मतलब दर्द इतनी बढ़ रही थी कि वो बेचैन हो रहे थे दर्द से, लेकिन उनका दर्द बच्चों को नहीं देखा जा रहा था। एक बार वे बार बार उनसे दवा का नाम पूछ रहे थे। शिष्यों के बार बार आग्रह करने पर गुरुजी बोले, बच्चों यह मेरा दर्द बहुत पुराना है, यह तभी शांत होगा जब मुझे शेरनी का दूध मिल जाएगा। अब बहुत जब बच्चों ने रिक्वेस्ट किया तब टीचर ने बता दिया कि मुझे शेरनी का दूध पीने से ही आराम मिलता है। शेरनी का दूध गुरुजी के दर्द का दवा का नाम सुनकर सभी शिष्य आश्चर्यचकित रह गए और मुंह लटकाकर बैठ गए। तभी सिब्बू उठा और बोला, गुरुजी को प्रणाम करके चल दिया। अब तो सभी डरने लगे कि अब हम लोग सब शेरनी के पास कैसे जाएंगे, कैसे शेरनी का दूध निकालेंगे। सभी शिष्य चुपचाप वहाँ बैठ गए, लेकिन सिब्बू अपने टीचर को प्रणाम करके वहाँ से चला गया। चारों ओर घना अंधकार छाया था, जंगली जानवरों की डरावनी आवाज़ें आ रही थी। सिब्बू के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कटोरा लिए गुरुजी के दर्द की दवा खोज में जंगल की ओर बढ़ता जा रहा था। उसने निश्चय कर लिया था कि वह शेरनी का दूध लेकर ही लौटेगा। अभी जब जंगल में गया, पूरी जंगल डरावनी लग रही थी, चारों तरफ अंधेरा था और चारों तरफ से डरावनी आवाज़ें आ रही थी। और सिब्बू ने निश्चय किया था कि मैं किसी भी तरह करके उस शेरनी का दूध लेकर ही वापस जाऊंगा, क्योंकि मेरे टीचर के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मैं कुछ भी करके शेरनी का दूध लेकर ही आऊंगा। उसने मन में ऐसा ठान लिया था। तभी सिब्बू को दूर चमकती हुई दो आँखें दिखाई दी। कुछ समीप पहुंचकर उसने देखा कि एक गुफा के बाहर बैठी शेरनी अपने दो बच्चों को दूध पिला रही है। सिब्बू धीरे धीरे शेरनी के पास पहुंच गया, हाथ जोड़कर बोला, माता, मेरे गुरु के पेट में असहनीय दर्द है जो आपके दूध से ही ठीक होगा, कृपया मुझे अपना दूध निकालने की आज्ञा दीजिए। जब थोड़ा आगे बढ़ा सिब्बू तो उसने देखा दो चमकती आँखें, किसकी, शेरनी की, और वो शेरनी क्या कर रही थी, अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। सिब्बू दोनों हाथ जोड़कर उनसे बोला, माता, मेरे टीचर के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, वो दर्द उनको सहन नहीं हो रहा है, कृपया आप मुझे अपने दूध निकालने की आज्ञा दीजिए, आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपकी दूध निकालूं। शेरनी पहले कई बार गुर्राई फिर बैठ गई। सिब्बू ने कटोरे में दूध निकाल लिया। शेरनी को धन्यवाद देकर वह तेज़ी से आश्रम आया और बोला, गुरुजी, मैं आपके लिए शेरनी का दूध लाया हूँ। सिब्बू की यह बात सुनकर गुरु रामदास और अन्य सभी शिष्य आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। गुरु रामदास मुस्कुराए, उन्होंने उठकर सिब्बू को गले लगाया और बोला, पुत्र, मुझे कोई उधर पीड़ा नहीं, मैं सबकी परीक्षा ले रहा था, तुम परीक्षा में सफल हो। यह वीर सिब्बू आगे चलकर छत्रपति शिवाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ।
जब सिब्बू शेरनी का दूध निकाल रहा था तो वो शेरनी बहुत बार गुर्राई, लेकिन सिब्बू वहाँ डटा रहा और चुपचाप दूध निकाल लिया और शेरनी को धन्यवाद बोलकर, थैंक्स बोलकर वहाँ से चला गया अपने टीचर के पास। जब टीचर के पास पहुँचा तो टीचर ने क्या बोला, पहले तो सभी सिब्बू को देखकर आश्चर्य हो गए, यानी कि सभी चौंक गए, अरे यह कैसे दूध लेके आ गया। सभी को लगा कि सभी आश्चर्यचकित हो गए, सभी को शौक लग गया कि ये कैसे लेकर दूध वहाँ से आ गया। और तभी उनके टीचर रामदास जी मुस्कुराए और वो बोले, मुझे कोई उदर पीड़ा नहीं हो रही है, मतलब मेरे पेट में कोई भी दर्द नहीं है, मैं सभी स्टूडेंट्स का टेस्ट ले रहा था और तुम इस टेस्ट में सफल हुए। और ये जो सिब्बू था आगे चलकर छत्रपति शिवाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो वीर थे जिन्हें कभी भी किसी चीज़ से डर नहीं लगता था। इस कहानी में टीचर ने स्टूडेंट की परीक्षा ली कि वो कितने साहसी थे। आश्रम में पुराने ज़माने में टीचर गुरु ऐसे ही अपने शिष्य की परीक्षा लिया करते थे।